हेलो एवरीवन आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है उबले हुए दो आलू तो यहाँ पे मैंने दो आलू ली है आलू के मैंने छिलके उतार ली है अब हम एक ग्रेटर ले लेते ले हैं और आलू को हम ग्रेट कर लेंगे या तो आप मेसर से भी मेस कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर ली है इसको रख देते हैं साइड में एक कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दी थी मैंने कढ़ाई जो है गरम हो चुका है इसमें हम डाल देते हैं छोटे चम्मच से एक चम्मच कुकिंग ऑयल उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं वन फोर टेबल स्पून साबुत जीरा एक चौथाई चम्मच जीरा जीरा को भून लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च को डाल देंगे फिर हम इसको भून लेंगे तो हरी मिर्च को भुनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बारिक से कटा हुआ दो चम्मच प्याज प्याज़ को डाल देंगे और प्याज़ को हम यहाँ पे भून लेते हैं तो हमें यहाँ पे प्याज का बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है दो मिनट के लिए भून लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसन का पेस्ट छोटे चम्मच से एक चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे फिर हम इसको भुनेंगे तो हमें यहाँ पे अदरक लहसुन का कच्चापन निकलने तक ही भून लेना है अब हम इसमें डाल देते हैं आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे आलू को डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं आप यहाँ पे हरी मिर्च की जगह चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं फिर हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच चाट मसाला पाउडर साथ में हम डाल देंगे एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर साथ में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इनको डालने के बाद मिक्स कर देंगे इन मसालों को मिक्स करेंगे फिर मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक नमक को डाल देंगे फिर हम स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम जो मसाले यूज़ किए हैं उसकी, है, उसकी वजह से स्टफिंग जो है काफ़ी टेस्टी हो जाती है स्टफिंग जो है बनके तैयार है मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी है अब हम इसमें डाल देते हैं छोटे चम्मच से एक चम्मच हरा धनिया बारीक से कटे हुए धनिया को मिक्स कर देंगे और स्टफिंग को जो है निकाल कर साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म कर ली है कढ़ाई जैसे ही गर्म होता है गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं कुकिंग ऑयल छोटी चम्मच से एक चम्मच डाल देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा जीरा को हम यहाँ पे दो मिनट के लिए भून लेते हैं यहाँ पे हमें जीरा को अच्छे तरह से भून लेना है जीरा जैसे ही अच्छी तरीके से भून जाए हम इसमें डाल देते हैं पानी तो मैंने यहाँ पे टोटल दो कप पानी का यूज़ की है पानी को डाल देंगे और इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक को हमने पहले स्टफिंग में डाला था उसी को ध्यान में रखते हुए नमक ऐड करेंगे पानी में जैसे उबल आता है उसमें हम डाल देंगे एक कप सूजी सूजी को डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे मिक्स करते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम में तो दोस्तों यहाँ पे हमें सूजी को कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको डो बनने तक पका लेना है इसको पकने के लिए आपको तीन मिनट का टाइम लगता है तीन से चार मिनट तो ये जो है बन के तैयार है अब हम इसको निकाल देते हैं और एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने तक रख देंगे और हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे या घी उसके बाद हम इसको गूद कर सॉफ़्ट कर लेंगे सूजी के दो को। तो मैंने यहाँ डो को सॉफ्ट कर ली है अब हम छोटा सा पोर्शन हाथ में उठा लेते हैं फिर हम इसका एक डो बनाकर सॉरी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे पेड़ा एक चकले ले ली है मैंने इसमें थोड़ा सा तेल को ग्रीस कर ली थी तो इसको रख देंगे और बेलन ले लेंगे फिर हम ऊपर से इसको बेलेंगे तो दोस्तों ये जो है बहुत ही आसानी से बेलकर तैयार हो जाती है मैंने तेल लगाई थी तो इधर चिपकेगा भी नहीं एक ग्लास ले लेते हैं और इसको हम राउंड शेप में काट देंगे तो दूसरे वाले को भी सेम तरीके से बनाएंगे इसी तरह से सारे को हम बनाकर तैयार कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में से हम एक को उठा लेते हैं और इसके जो है सेंटर में हम स्टफिंग को रख देंगे जो हमने बनाए थे स्टफिंग को अच्छे से सेट कर देंगे फिर हम ऊपर से और एक पूड़ी को रख देंगे जो हमने बनाए थे और इसको हम अच्छी तरीके से साइड से बंद कर देंगे जो ये साइड वाला बंद वाला प्रोसेस है इसको अच्छी तरीके से कर लेना है नहीं तो ये फ्राई करते समय खुल जाएंगे साइड में बंद करते समय यहाँ पे पानी लगाने की जरूरत नहीं है सूजी जो है आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाता है बिना पानी के भी बस बंद जो है हमें अच्छी तरीके से कर लेना है तो मैंने यहाँ पे तेल को प्री हीट कर ली थी तेल तेल जो है यहाँ पे गरम हो चुका है और तेल का जो हीट है ये मीडियम हीट होना चाहिए और गैस की फ्लेम को भी हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे तो हम यहाँ पे नाश्ते को डाल देते हैं और फ्राई कर लेंगे हमें इसको डीप फ्राई करके तैयार कर लेना है तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो लग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स तक मेरी रेसिपी पहुँच सके और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो मैंने दोनों साइड से अच्छे से गैस की फिल्म को मीडियम रखते हुए इस तरह से फ्राई कर ली है अब हम इनको निकाल देते हैं आप चाहें तो इनको पूरा आ, गोल्डन ब्राउन होने तक भी फ्राई कर सकते हैं तो हम इनको निकाल देते हैं और जो दूसरा वाला था इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगी तो यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता बन के तैयार है खाने में काफ़ी टेस्टी है इसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली थी और इनको इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद